सुनो यार, सुबह सुबह हाइड्रोजन के दर्शन कर लेती ना तो पूरा दिन ढिंचाक जाता है मेरा। मैं बताऊँ क्यों ढिंचाक जाता है इलू? क्योंकि वो ढिंचाक ना जीजा जी की बैंड बजने का आवाज होता है। इलू सेल्फी। वे तुझे नहीं लगता कि मतलब जीजा जी को ना नीचे के चक्कर लगाने चाहिए और बोलना चाहिए इलायची जी रूम में है। मतलब एवी ड्यूटी पे लगा रखा है, दर्शन दे, हमारा भी काम होता है, क्यों भाई? वो देख वहाँ पे खड़े हैं जीजा जी, फेस टू फेस ना जाके उनको प्रवचन दे दे। मैं तो चली अपने नाइट्रोजन को मिलने, बाय। नहीं इलायची जी, जीजा जी मकड़ी मैन बनकर नीचे छत से कूदने की तैयारी कर रहे हैं, आप साथ चलेंगी? है नहीं जीजा जी, पहला मजरूर ये राजा, ऐसी अधूरी लव स्टोरी थोड़ी ना चाहिए मुझे मेरी। नहीं, मैं नहीं कूदूंगी, मैं नहीं कूद रही। जी जी हैं जी जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मेरे सपनों का राजकुमार है ना, उसके लिए मैं साबुत रहना चाहती हूँ, टूटी फूटी नहीं मिलना चाहती हूँ मैं उसे। अच्छा पिंटू भाभी, मैं ना शाम को आपको ना पार्लर ले जाऊंगी, ठीक है? वहाँ पे जाके हम आपका फेशियल कराएंगे और आप इतने निखर जाओगे कि जीजा जी तो ना फ्लैट हो जाएंगे। बाय गॉड। ना ना सुनीता जी, ये ना हो सकता, मेरी तो दुनिया उजड़ जाएगी। मेरा मतलब सुनीता जी क्या है ना, गुगू ना मेरा सांवला रंग बहुत पसंद है, यही देख के तो उन्होंने मुझसे शादी की थी। अब वो तो गाना गाते थे कि सांवली सूरतिया से दिल मेरा लागा, अब अगर रंग जरा सा ऊपर नीचे हुआ ना, पता नहीं फिर वो क्या करेंगे। वैसे आपको एक बात बताऊं? जी बताइए। पहले ना मैं सिर्फ आपकी बॉडी पे मरा करती थी, मतलब इम्प्रेस्ड थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना, इसलिए इम्प्रेस थी। लेकिन मैंने जब आपके लहराते हुए बाल देखे ना तो एकदम सरसों के खेत जैसे, मतलब मज़ा ही आ गया, मतलब अच्छा लग रहा था। नहीं इलायची जी, ऐसी भी कोई खास बात नहीं है वैसे। क्यों खास बात नहीं है यार? मतलब मैंने देखा है ना जी, मेरा तो दिल करता है ना आपकी जुल्फों में ना ऐसे उंगलियां घुमाऊं, मतलब तफरी मारती रहूं ऐसे मतलब रियल लाइफ में लिटरली ऐसा नहीं करूंगी, अपनी फीलिंग्स बता रही हूं मैं आपको। मैं तो चाहती हूँ दिन दूंगी रात चौगनी, मतलब आपके बाल इतने सारे बढ़ जाए। जीजा जी सच्ची बता रही हूँ, मतलब बिना बालों के ना ऐसे इमेजिन नहीं कर सकती मैं आपको, ध्यान रख लेना। जी जी हम ध्यान रखेंगे। बहुत प्यारे वाले, धन्यवाद इलायची जी। वेलकम। ओफो पिंटू भाभी, बातों में जो इम्पोर्टेंट काम करने थी वो तो मैं भूल ही गई, मैं ना आपको कुछ देने आई थी। अच्छा दे दो। अच्छा चलो आप आंखें बंद करो, सरप्राइज है। हाँ, बंद करती हूँ आंखें, लो बंद कर ली आंखें। आंखें खोल लो पिंटू भाभी। अरे सुनते ये क्या है, इससे दांत मांजे या फिर चेहरा? ओहो पिंटू भाभी, ये ना हेयर रिमूविंग क्रीम है, मतलब आपको वैक्सिंग से डर लगता है ना, तो ये ऐसी क्रीम है, इसको आप अपने हाथों पे लगाओ, पोंछ दो और फिर सारे बाल गायब, मतलब दर्द भी नहीं होगी और काम भी हो जाएगा। अच्छा है ना? हाँ अच्छा है। और पिंटू भाभी लगा लेना क्योंकि मैं ना नहीं सुनने वाली, ठीक है? हाँ। चलो मैं जा रही हूँ स्कूल, ठीक है? ठीक है, बाय बाय बाय। ओए इल्लू, स्कूल जाना कि नहीं जाना? आजा यार, लेट हो रहा है। ओके इलायची जी, ध्यान रखना। हाँ ध्यान रखें। क्या बात है, थैंक यू भगवान। हेलो, तेरे स्कूल वालों ने एक ब्रांच छत पे भी खोल दिया क्या? क्या करने गए थे तुम लोग ऊपर? बात कर रहे हो बेकार की, यहाँ खड़े हो गए? मेरी स्कूल की ना जो हिंदी कॉपी है वो ऊपर रह गई थी, वो जीजा जी है ना हिंदी में इतने अच्छे हैं कि हम लोग उनसे पढ़ रहे थे। अच्छा, अपने स्कूल की मैडम से तो तुझे एक अक्षर समझ में ना आता है, और तू उस कार्बन से जो है इतनी पापा पंचम तूने नामकरण किया है उसका, जो सिखा रही है मुझे पंचम। हाँ चल पंचम, तू उससे पूरा पुराण सीख जाती है, बात कर रही है बेकार की। अच्छा ये बता, तेरी जो है इल्लू सेल्फी, अच्छा ये बता तेरी परीक्षा जो है, सेल्फी अच्छा तेरी परीक्षा इल्लू सेल्फी तेरी तेरी जो अच्छा ये बता तेरी परीक्षा कब से है और तू सेल्फी बस सेल्फी खींचती रही हो ऐसे तेरी परीक्षा में यही आएगा कि कैसे मुंह पिचकाते हैं सेल्फी में पापा से पाउट कहते हैं जस्ट बाय द वे हाँ और जरा 100 रुपए दो ना वो ना हम स्कूल के लिए लेट हो गए तो रिक्शा करके जाएंगे जाओ हाँ वैसे तू स्कूल बड़े टाइम पर पहुंचती है बात कर रही है बेकार की और 100 रुपए में तो मैं पूरी दिल्ली घूम के आ जाऊंगा चल 50 रुपए ये ले जा थैंक यू पापा ऐसे ना 50 रुपए चाहिए थे लेकिन 50 मांगती ना तो अब 20 रुपए ही देते सब क्यों चलो बाय बाय अंकल जी बताओ आजकल के बच्चों को पैसे की कोई वैल्यू ना है हम अपने जमाने में 5 किलोमीटर पैदल जाते थे पैदल ऐसे टक 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 चलते हुए अरे करो अरे चाय लेके आ कब लेके आएगी कल सुबह अरे इलायची के पापा थोड़ा रुक जाओ लच्छू आई है उसे नाश्ता करा रही हो बाद में देती हूँ इन औरतों का समझ में ना आता है लच्छू आई हुई है लच्छू की दिन भर बुराई करती रहती है और लच्छू जब आ जाती है तो प्राण प्यारी हो जाती है जी प्रणाम हाँ गुजरे अरे वाह तू तो घड़ी की सुई हो रखा है एकदम है बड़े टाइम से दुकान खोलने जा रहा है नहीं नहीं सेठ जी हम तो बस नहाने के लिए जा रहे हैं नहाने के बाद दुकान खोलेंगे अच्छा एक काम कर आप 10 मिनट लेट चले जाइयो मेरा एक काम कर दे जी सेठ जी ये टेबल पर देख रहा है ना ये क्रीम ऐसे मेरे सिर पे बालों पे लगा दे हाँ सेठ जी हम ये क्रीम आपके बालों पे लगाए हम ना ना अपने गाँव से बुला ले अपने ताऊ को वो लगाएंगे क्योंकि मेरी जो है बरसाती उन्होंने ही हड़प रखी है और तनख्वाह भी मैं ही देता हूँ उन्हें बात कर रहा है बेकार की नहीं नहीं सेठ जी हम लगाते हैं बस ये तौलिया और साबुन अंदर गुसलखाना में रखाते हैं हाँ जा जल्दी जा जी सेठ जी यार इस सेठ जी बिना पता नहीं क्या क्या काम करवाते रहते हैं अब इनके बालों पे क्रीम नहीं लगाओ और कोई काम नहीं है क्या संगीतकार बनने आए थे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बड़ी मुश्किल हो रखी है समझ में नहीं आता सुनीता जी भी ना हद करती फालतू मुझे बाल सफा क्रीम पकड़ा गई हमको जी क्रीम को तुम ऐसी जगह फेंकोगे जो सुनीता जी का पूरा चांदनी चौक ना ढूंढ पाएगा अबे तौलिया टांग रहा है या खुद भी टंग गया तौलिया के साथ जी जी सेठ जी बस आ गए अभी लगा देते हैं हाँ लाइए सेठ जी ये लगाना है ना क्या कर रहे हैं बाल गिरने हैं मेरे लगाना जल्दी सेठ जी आपको पक्का ये क्रीम सर के बालों पे लगानी है ना ना मेरे बगल के बालों पे लगानी है लगा दे सेठ जी आपको पता है ना कि इसको लगाने से क्या होगा ना ना हमारे दिमाग में तो भूता पड़ा है हमें क्या मालूम क्या होगा लगा जल्दी बात कर रहे हैं बेकार की ठीक है सेठ जी अगर आप कहते हैं तो लगा देते हैं हम सेठ जी ये आपकी क्रीम हाँ चल लगा पक्का ना हाँ ठीक अच्छी तरह से मल दे पूरे सर में ये लीजिए सेठ जी हाँ ये लीजिए ये जड़ों तक जाना चाहिए सेठ जी हाँ जड़ तक जाएगा तभी तो फायदा देगा हाँ सेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं एक भी जगह ना छूटे एक बाल में लग जाए ना ना सेठ जी टेंशन मत लो हाँ सेठ जी ये कान पे के बालों पे भी लगा दे क्या ना वहाँ रहने दे ठीक है सेठ जी सुन टाइम पास मत कर जल्दी दुकान खोल जाके जा जी सेठ जी चलो अब नहा ही लेता हूँ मैं भी अरे सेठ जी कुंडी लगा दो ठीक है सेठ जी कोई चल मैं भी नहा के आ रहा हूँ अरे लच्छो हाँ ये आजकल ना चांदनी चौक के पानी में ना कुछ मिलावट हो रखी है सारे बाल झड़ के हाथ में आ गए रीठा आंवला भिगो भिगो के लगाया और कितने तो मैंने सिरप पिए पर कोई फायदा नहीं हुआ पति का खून नहीं पिया अरे पति का खून पीने से ना बाल बहुत जल्दी बड़े होते हैं क्या बात कर मेरा रियल लच्छो? हाँ। मतलब बाल बढ़ाने के लिए मैं चमगादड़ बन जाऊँ, पति का खून चूसू? अरे करू, तू भी ना एक नंबर की भोली है। देख, घर में पति और पत्नी में से किसी एक ही के बाल लंबे हो सकते हैं, और जिसके बाल लंबे होंगे घर पे उसी का राज होगा। और तेरे घर पे तो जीजा जी का राज है क्योंकि उनके बाल लंबे हैं। और मुझे देख ले, मेरे घर पे तो मेरे बाल लंबे हैं क्योंकि इसीलिए घर पे मेरा राज चलता है। और मेरे पति देव गंजे हैं। तेरे पति गंजे हैं? हाँ। फिर तो लच्छा तुझे पता ही नहीं चलता होगा ना कि तुझे मंदिर का टीका कहाँ से कहाँ तक लगाना है। हाय हाय, मैं तो बुरे से बुरे सपने में भी अपने पति को गंजा नहीं देख सकती हूँ। हाय राम, कितने बुरे लगेंगे इलायची के पापा गंजे होके। अरे करू, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या पता कि टकले होने के कितने फायदे हैं। देख, एक तो तेल के पैसे बच जाते हैं, शैम्पू के, कंघी के, सबके पैसे बच जाते हैं पगली। और भी फायदे हैं, बता। तू है ना, करवा चौथ का व्रत अपने पति के टकले को देख के भी खत्म कर सकती है। देख, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। एक समय ऐसे आते हैं कि जब सारे मर्दों के बाल झड़ते हैं, और एक ना एक दिन जीजा जी का भी समय आ जाएगा जब उनके भी बाल झड़ जाएंगे। ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। इनके साथ पुश्तों में भी किसी के बाल नहीं झड़े, और अगर ये बाल कभी ना काटे ना तो मेरे से भी लंबी चोटी हो जाए इनकी। खैर तू नहीं समझेगी, चल चाय पी ले। चला तू भी पी। बोल गया क्या? मेरे तो भाग्य फूट। सेठजी तो गंजे हो गए। गंजे, अबे अरे मौसा, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये तुम कुंडली देख देख के टोट के वोट के बताते रहते हो ना, ये कर लो वो कर लो, असल में इनसे कुछ होता भी है या अपने बुढ़ापे में मनोरंजन का जुगाड़ ढूंढ लिया तुमने? ज्यादा ना बोल कुछ है। अबे मेरा टोटका सिर्फ तेरी मौसी पे जाकर के फेल हो जाता है, बाकी बाहर वालों पे तो 100% 100%। अभी तक तो उनके बहुत बढ़िया बढ़िया काम हो गए, यही देखा गया है, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। हाँ, तो फिर मौसा एक बात बताओ, अगर मेरी कुंडली में ऐसा कौन सा दोष है जो तुम्हारे जितने भी टोटके टकरा के वापस चले जाते हैं, काम ना करते बिल्कुल? क्या हो गया? अरे जुल्फों में क्या, मेरे बालों में क्या ढूंढ रहे तुम? किस्मत की रकीन दिख रही, क्या दिख रही? ना बेटा ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि तब बचपन में मुंडन हुआ है कि नहीं हुआ। अरे कुछ मत पूछो, ऐसे करो मुँह मौसा, कुछ ना हुआ है। पिताजी क्या है, दूसरों के बाल काटने में इतने बिजी रहते थे, दिन भर मसाज चलती थी, कस्टमर आते थे जाते थे, भूल गए। और मेरा क्या, टाइम पे बाल ना आए बचपन में, मतलब पैदा हुआ पाली ना आए, और उनको क्या लगा कि मैं छोटे का मुंडन कर चुका हूँ, भूल गए बनाना। क्या बात बेटा, यही कारण है, यही कारण है जो तेरी किस्मत अब तक अटकी हुई है। बचपन में तो तेरा मुंडन हुआ नहीं ना, है इसलिए तेरी किस्मत में बचपन आ गया नहीं, समझा? हाँ। अब तू सुन, मैं तेरा मुंडन करवाता हूँ बेटा। हाँ, ऐसी करो, और जैसे ही तू बोलो, बोल तेरा टाइम नहीं है बहुत, 4-5 कस्टमर आ रहे हैं और इस तरह हटा बोलो बोलो। अब जैसे ही तेरा मुंडन होगा ना, है तेरी किस्मत के रोंगटे खड़े हो जाएंगे बेटा। अच्छा हाँ जी मैं कह रहा हूँ गारंटी से। एक काम करो मौसा, तुम फिर ये काम शुभ काम मतलब तुरंत कर दो, मेरी छटाई कर दो बालों की। आजा हैं सही हो जाएगी। तो आजा बस बैठ, अब मैं करता हूँ तेरी जमा। आराम से बेटा, ऐसी करो मुझे सब ऐसी करो। मैं डर गया, कौन से प्रभु आ गए। अबे मैं भी घबरा गया यार। सेठ जी क्या लगा था, सेठ छोड़ रही है तुझे। ये क्या नजर न लगे, चुप रह। मौसा एक बात कहूँ मैं, इनको देख के अभी ताजी ताजी बात याद आई। मतलब जिंदगी में मैंने ऐसा कंजूस आदमी ना देखा, शैम्पू का खर्चा बचाने के लिए जुल्फों को तलाक दे दी। बकवास मत कर छोटे, सब तेरी वजह से हुआ, ये तेरा ही षड्यंत्र है। तूने बाल उगाने की जगह मुझे जो है बाल उड़ाने की तूने क्रीम दे दी है। क्या मिल गया तुझे मेरी खेती बर्बाद करके, ये बता। कैसी बातें कर रहे सेठ जी फालतू की। अरे मैं तो तुम्हारे जुल्फों का भक्त हूँ, मतलब लोगों से तारीफ करता हूँ। क्या बाल सेठ जी की काले काले, और सुनो चांदनी भाभी तक से तारीफ करता हूँ, वो तारीफ करती है क्या बाल हैं, और तुम फालतू का हम पे भड़क रहे हो। अरे सेठ जी घोड़ा घास को ही आग लगा देगा तो खाएगा क्या, मैंने ना किया ये। तुम एक काम करो, दिखाओ क्रीम, दिखाओ क्रीम, दिखाओ ये ले। कौन सी है देख, ये लो। दूसरी क्रीम उठा लाए। अरे ये वो है ही ना जो मैंने दी थी तुम्हें। तो फिर ये क्रीम कहाँ से आई। अरे कहाँ से आई सेठ जी वो छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ ये क्रीम तुम्हारे बालों में किसने लगाई। अरे वो उस पंचम ने लगाई। इसका मतलब उस पंचम ने मेरे बालों में ट्रैक्टर चला दिया। अरे तो फिर मेरा खून क्यों पी रहे हो सेठ जी, ट्रैक्टर की तरह मेरे ऊपर क्यों चढ़े जा रहे हो। पंचम से बात करो ना। अरे मैं छोड़ूंगा नहीं उस पंचम के बच्चे को, बता रहा हूं मैं। अबे कौन है बे, और इलायची कैसी है। पूरा मैदान साफ कर दिया गुरु। अरे मुझे ना पता था कि तू अंदर ही अंदर इतना चलता है मेरे बालों से। मेरे बाल उड़ा दिए तूने। सेठ जी आपको कोई गलत फहमी हुई है सेठ जी, हमें आपके बालों से कोई दुश्मनी नहीं है, हम भला ऐसा क्यों करेंगे सेठ जी। अरे बदला लेने के लिए, जो दुकान पे मैं तुझे खरी खोटी सुनाता हूँ ना, उसका बदला लेने के लिए। मुझे ना पता था कि तू अंदर ही अंदर इतना घुट रहा है, देख रही है तू। अरे सेठ जी हमारी बात समझने की कोशिश करिए, हम ऐसे नहीं है। अरे तू कैसा है, मेरी जुल्फों की एक एक लट चीख चीख के बता रही है। मैं तुझे अभी जो है दुकान से निकाल ले आऊं अपनी। क्या कर रहे हो, और ये क्या कह रहे हो आप। सोचो यार जीजा जी ऐसा क्यों करेंगे। जीजा जी के देखो ना कितने कोमल निर्मल सिल्की से बाल हैं, और जिसके बाल होंगे वो आपके बालों से क्यों चिढ़ेगा जलेगा प्लीज। हाँ और यार अगर आपके बाल कटेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या। अरे इसमें बाल काटे ना है, मेरे बालों में सर पे एकदम बाल उड़ाने वाली क्रीम लगा दी इसने, इतना घाघ है ये। बाल उड़ाने वाली क्रीम हमारे घर पे कहाँ से आई है। इल्लू मैंने पिंटू भाभी के लिए ना हेयर रिमूविंग क्रीम लाई थी, मुझे लगता है वो एक्सचेंज हो गई है। अरे क्या खुदरपस कर रही है उससे। अरे क्रीम ऊपर से ना टपकी थी। इल्लू सेल्फी। अरे क्रीम ऊपर से ना टपकी थी, मैं बता रहा हूँ। ये मुझसे जलता है ना इसलिए इसने मेरे बालों में बाल उड़ने वाली जो है क्रीम लगा दी। तुझे पता है कैसा लग रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सिर जो है बगैर कपड़ों के नंगा हो रखा है। अरे देख रही है तू, अरे तूने तो सब कुछ देख रखा है। सेठ जी आप ही ने हमें वो क्रीम लगाने के लिए कही थी, हमने आपसे क्रीम लगाने से पहले पूछा भी था कि हम लगाए कि नहीं, लेकिन आपने हमें डरा धमका के बोला कि लगाए, इसलिए हमने लगा दी सेठ जी। अच्छा मैंने तो कहा था कि बाल उगाने वाली क्रीम लगा, तूने तो बाल उड़ाने वाली क्रीम लगा दी। अब जब पकड़ा गया तो कैसा भोला बन गया। मैं कह रहा हूँ तू अभी नौकरी से निकल जा। एक मिनट क्या कर रहे हो यार पापा। देखिये मैं जानती हूँ कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है जीजा जी, मतलब अगर आपने पढ़ ली थी कि वो बाल उड़ाने वाली क्रीम है तो क्यों साफ साफ नहीं बता दिया। अरे इलायची जी साफ साफ छोड़िए, हम घुमा फिरा के नहीं बता पा रहे थे इन्हें, इन्होंने हमें बोलने का मौका तक नहीं दिया ना। नहीं सुननी मुझे आपकी बहस। और पापा इन्हें ना नौकरी से निकालने की जरूरत नहीं, बल्कि इंसाफ कहता है। खून का बदला खून, आग का बदला आग, और बाल का बदला बाल। सही कह रही है तू। उड़वा दो सारे बाल, बाल गंजा करा दो इन्हें, निकलवा दो बाल आप जाके। हाँ तब होगा आपका बदला पूरा। और जीजा जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी, समझ रहा है? मौसा, ओ मौसा, मैं जी कह रहा हूँ मौसा, कहीं ये मेरा गंजा सर देख के लोग मतलब मोहल्ले में ऐसा ना सोचे कि मेरे मौसा ही निकल लिए। अबे तुझे शर्म तो ना लग रही है? अबे कोई ढंग की बात बोल लिया कर। अबे चलो सेठ जी प्लीज, छोड़े जरा। अरे हाँ सेठ जी, अरे वाह छोटे, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। अपने दोस्त को गंजा देख के तूने भी अपने बाल उड़वा लिए। अरे 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 सेठ जी ज्यादा भावना में मत बहो, ये तो हमारे लौंडे का बचपन में मुंडन हुआ था, इसलिए इसके कुंडली के बहुत सारे दोष रह गए थे, इसलिए हमने अपने लौंडे का मुंडन आप करा दिया। बेटे मैं चलता हूँ, है खुश रहे बेटा। छोटे इस परचम के तू बाल उड़ा दे। सेठ जी पंचम, अरे हाँ जो भी है सुन, इसी की वजह से मेरे सर पे सूखा पड़ा रखा है। जल्दी से चला तू इसके सर पे कैंची चला। पापा वो शगुन के आप 3-4 बाल उड़वा दो, कटवा दो, तो आपका बदला भी पूरा हो जाएगा और बाल भी कट जाएंगे। मतलब अरे ना 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 ना, इसका एक एक बाल जब तक मैं जमीन पे पड़ा ना देख लूंगा ना, मेरे दिल को ठंडक ना पहुंचेगी।